भारत खत्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। LOC पर रावलाकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, फर्ज की अदायगी में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहदा में सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस नाइक अजीजुल्ला और सिपाही शाहिद मनसब शामिल हैं। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन के भारी जानी नुकसान की इत्तला। कराची में वफाकी वजीर अली मोहम्मद महर के घर पर नामालूम अफराद का धावा। मुलजमान ने घर में दाखिल होकर नौकरों को यरगमाल बनाया, फिर अली महर को कमरे में दाखिल होकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। माथे और सर पर चोट आई, अस्पताल में हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक बजाहर डकैती मुजाहमत लगती है। IG सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल माफिया बेलगाम। आज फिर सखर बोर्ड के जेर एहतमाम होने वाला इंग्लिश का पर्चा आउट हो गया। इम्तिहानी मराकज में भी सरेआम नकल। उधर वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने हैदराबाद तालीमी बोर्ड के नाजिम इम्तिहानात मसूर अहमद जई को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 19 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव का जायजा भी लिया जाएगा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुरबत के खात्मे की नई वजारत कायम करने की मंजूरी भी शामिल है। घोटकी से ताल्लुक रखने वाली 2 नौ मुस्लिम लड़कियों के केस में नया मोड़ आ गया। दोनों नौ मुस्लिम लड़कियां बालक निकली। आसिया की उम्र 19 साल और नादिया 18 साल की है। पिम्स अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा। हतमी तायुन के लिए डेंटल और क्लिनिकल चेकअप करवाने की भी तजवीज। मुनशियात स्मगलिंग केस में सजा याफ्ता चेक रिपब्लिक की मॉडल ट्रीजा ने लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। बेकसूर हूँ, मुनशियात का इल्जाम कस्टम्स हुकाम ने अपने पास से लगाया। ट्रायल कोर्ट का फैसला हकायक के बरक्स है, कल अदम करार दिया जाए ट्रीजा का मौकफ। और कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दुबई से वतन वापस पहुंच गए। कौमी टीम को ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वापस आने वाले खिलाड़ियों में उमर अकमल, मोहम्मद आमिर, इमामुल हक, आबिद अली और कोच मिकी आर्थर शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद अहमद राना। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की, अहम खबर आपको देंगे कि घोटकी की 9 मुस्लिम बहनें बालिग निकली हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आसिया की उम्र 19 और नादिया की उम्र 18 साल है। पिम्स की मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करा दी गई है। रिपोर्ट में लड़कियों की उम्र के मजीद तायुन के लिए डेंटल और क्लिनिकल चेकअप करवाने की तजवीज़ भी दी गई है। फ़याज़ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फ़याज़ बताइएगा, मेडिकल रिपोर्ट मजीद क्या कहती है? जी देखिए, ये अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये आज केस भी जेरे समात है। घोटकी से ताल्लुक रखने वाली दोनों 9 मुस्लिम लड़कियों की जो उम्र है उसका तयन किया गया है। जो इब्तदाई तौर पे जो चेकअप किया गया गोंद से उनका ये चेकअप किया गया, जिसमें सामने आ रहा है कि उम्र के तयन के लिए पिम्स की मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा कराएगी, जिसके मुताबिक आसिया उम्र 19 साल है, जबकि दूसरी लड़की जो जिसने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम नादिया रखा उसकी उम्र 18 साल सामने आ रही है। तो हम डॉक्टर्स की जानिब से मजीद उसका को कंफर्म करने के लिए मजीद उम्र का तायुन के लिए डेंटल और क्लिनिकल चेकअप करवाने की तजवीज़ भी दी गई है। ये पिम्स अस्पताल में लड़कियों के मेडिकल चेकअप किए गए, जिसके बाद ये सामने आ रहा है कि एक लड़की की उम्र 19 जबकि दूसरी की 18 साल उम्र है। इस वक्त आपसे कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहम समाप्त करेंगे। लड़कियों के जो शोहर हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने उनके खिलाफ क्योंकि घोटकी में एक वाक का मुकदमा भी दर्ज किया गया था, तहम उन्होंने हिफाजती जमानत अप्रैल तक मंजूर करवा रखी है, तो आज वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। जी, दोनों नौ मुस्लिम लड़कियाँ आसिया की उम्र 19 साल और नादिया की 18 साल है। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, आपने हमें अपडेट किया।
और अब आपको बताएं कि कराची में सानिहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस में अहम पेशरफ्त हुई है। जान के खतरे के बायस रूपोश अहम और चश्मदीद गवाह मंजर आम पर आ गया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने गवाह को कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया है। बात करेंगे बिलाल अहमद, हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, क्या बयान रिकॉर्ड करवाया है इस अहम गवाह ने, अदालती कार्रवाई क्या रही? जी देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में जेर समात सानिहा बल्दिया केस में एक अहम पेशरफ हुई है। जान के खतरे के पेश नज़र रूपोश होने वाले एक अहम गवाह जो कि चश्मदीद गवाह भी है, वो मंजर आम पर आ गए हैं। और स्पेशल प्रोसिक्यूटर साजिद महबूब शेख ने मुकदमे के चश्मदीद गवाह का बयान भी कलमबंद करा दिया है। ताहम उनका नाम सिगराज में रखा जा रहा है सिक्योरिटी वजूहत की बिना पर, और चश्मदीद गवाह ने मुलजिम जो कि अहम मुलजिम है जुबैर चरिया, उसको भी शनाख्त कर लिया है। अपने बयान में चश्मदीद गवाह ने ये कहा है कि वाकई के रोज़ वो फैक्ट्री में मौजूद था। जुबैर चरिया और उसके दीगर साथियों ने गोदाम के वॉशरूम के अंदर पैनेचर्स भी है, उसके बाद जेब से थैलियां निकालकर गोदाम में मौजूद कपड़ों पर फेंकी और यही अमल दूसरी मंजिल पर भी जाकर किया। और इस मौके पर जुबैर चरिया आग लगाने पर मुस्कुराता रहा, और इस मौके पर दीगर मुलजमान भी मौजूद थे। उसने ये कहा है कि वो दीगर मुलजमान जिसमें रहमान भोला वगैरह हैं, उनको भी शनाख्त कर सकता है। और उसने ये बयान दिया है कि क्योंकि जान ये साहम गवाह को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। बिलाल अहमद, आपका बहुत शुक्रिया।